जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि आपको कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसके पहले कौन कौन से शुभ संकेत मिलना चालू हो जाते हैं, घर से ही दिखना चालू हो जाते हैं कि अब आगे आने वाला समय आपका बुरा आने वाला है। घर में यदि काली चींटियां, लाल चींटियां ज्यादा निकलने लग जाए तो समझ जाओ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। अपने बिस्तर पर, बिस्तर तक यदि लाल चींटियां आ जाए तो समझ जाओ कुछ न कुछ बुरा अनिष्ट होने वाला है। घर के आसपास या छत पर बिल्ली रोने लग जाए रात को तो समझ जाओ कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। इसी प्रकार से यदि घर की तुलसी जी सूखने लग जाए तो समझ जाओ अनिष्ट होने वाला कुछ न कुछ काला जादू तंत्र मंत्र हो चुका है, मुसीबत आने वाली है। यह तो आर्थिक नुकसान होने की संभावना बनती है यदि तुलसी जी सूख जाती है तो। और यदि अपने घर के सामने गेट पर कुत्ता रोने लग जाए तो भी समझ जाओ घर पे किसी न किसी को बीमारी लगने वाली है या किसी की मृत्यु होने वाली है। घर में यदि रोजाना झगड़े होने लग जाए, बात बात पर झगड़े होने लग जाए, राई का पहाड़ बनने लग जाए, तिल का ताड़ बन जाए तो समझ जाइए कि घर कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है, यानी कि घर से माँ लक्ष्मी जी चली गई है, अब जाने की तैयारी कर रही है, आपको नुकसान होने वाला है। इन सब के उपाय भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि यदि ऐसा महसूस होने लग जाए कि रोज रोज घर में झगड़ा होने लग जाए, क्लेश होने लग जाए, अशांति होने लग जाए तो समझ जाओ दरिद्रता आने वाली है। यदि बार बार दूध गिरने लग जाए या फिर कांच जो होता है खिड़की के कांच हो गया, ड्रेसिंग टेबल का कांच हो गया, दीवार पर टंगा हुआ कांच टूटने लग जाए तो यह कोई ना कोई भारी मुसीबत आने वाली है, यह उसकी सूचना होती है। आर्थिक तंगी, आर्थिक परेशानी आने वाली है, उसका भी सूचक होता है। दूध गिरना यानी पितृदोष की उत्पत्ति होने वाली है, कांच टूटना भी पितृदोष कहलाता है, यानी पितरों की वजह से कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है तो पितरों की शांति आपको करवाना है। यदि घर में लोगों की नींद जो है रात को 12 से 4 के बीच में खुलने लग जाए, 12 से 4 के बीच में किसी की आवाज आने लग जाए, 12 से 4 के बीच के अंदर बर्तन बजने लग जाए तो आप ये समझ जाओ कि कुछ न कुछ आर्थिक नुकसान होने वाला है। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू हो गया है। ये जो संकेत हैं ये बहुत कॉमन संकेत है कि घर के अंदर चींटियों का आ जाना, घर के दरवाजे पर कुत्ते का रोना, घर की छत पर या घर के आसपास बिल्ली का रोना, घर की छत पर कोई हड्डी मिल जाना, चाहे उल्लू लाके डाल गया हो, बिल्ली लाके डाल गई हो, कुत्ता लाके डाल गया हो, कौवा लाकर के डाल गया हो तो भी अपशकुन माना जाता है। घर में लगा हुआ अच्छा खासा हरा तुलसी का पौधा सूख जाना, घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लग जाना, आए दिन दूध फैल जाना और कांच का टूट जाना, और रात को 12 से 4 के बीच में घर के अधिकांश मनुष्यों की नींद खुलना या डर लगना, यह सब जो है आने वाला समय संकट का आने वाला है यह बताता है। आपको अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करना है, सतर्कता से रहना है,
और पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा करना है। यदि ऐसा होने लग जाए तो, पूजा पाठ का मतलब हो गया अपने हाथ से दान धर्म करें, अमावस्या के दिन तर्पण करें, अमावस्या के दिन सीधा निकालें, और हनुमान चालीसा का पाठ सभी व्यक्तियों को मिलकर के एक साथ पूजा करके बोलना चाहिए, पाठ करना चाहिए, हवन अवश्य करवा लेना चाहिए। यदि ये संकेत मिलते हैं तो हवन अवश्य करा लेना चाहिए, और इष्ट देव और कुल देवता की पूजा करना ही करना है, उनको बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। घर के अंदर कपूर लौंग अवश्य जलाना चाहिए ताकि संकट से आप बच सकें। टोने टोटके होते हैं ये एक तरीके के, परंतु ईश्वर आकर के आपको नहीं बोलता है कि अब घर पे या आपके ऊपर कोई परेशानी या संकट आने वाला है। प्रकृति ही ईश्वर है, वही आपको संकेत देती है कि अब अनिष्ट होने वाला है, यह उसकी पूर्व सूचना होती है। अब आप बच सकते हो तो बच लो, नहीं बच सकते हो तो यह आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।